बरसात की पहली बारिश से ही खुली नगर परिषद घुमारमी की पोल। नगर पालिका द्वारा बनाए गए चैम्बरों से बाहर आ रहा गंदा पानी, जिससे राहगीरों को हो रही बहुत ज़्यादा परेशानी। लोगों का कहना है कि यदि बरसात के मौसम में इन नालों को ठीक नहीं किया गया, चैम्बरों को ठीक नहीं किया गया, तो कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण कर सकती है, जिससे कि शहरवासियों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आओ देखें रोजाना श्री अनंतपुर साहिब की घुमारमी से सुभाष चंदेल के साथ यह रिपोर्ट। सीवरेज की समस्या चली थी, हमने शहर की सीवरेज के रख रखाव के लिए और नए सीवरेज जो कनेक्शन लाने के लिए इसको आईपी विभाग को हमने कम से कम 1.5 करोड़ रुपये दिया है। और हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि बरसात से पहले और गर्मी से पहले जितने भी शहर में चैम्बर हैं उनको सभी को रिपेयर किया जाए और जो नई कनेक्शन होने हैं उनको जल्दी कनेक्शन के दिए जाए और नया व्यवस्था जो सीवरेज की जहाँ नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ा जाए। और सबसे खासकर हमने एक रिक्वेस्ट की थी एसडीओ साहब से भी, एक्शन साहब से भी, कि जो जितने भी चैम्बर हैं इनको बरसात से पहले और गर्मी से पहले इनको सभी की रिपेयर की जाए, क्योंकि इससे बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। अगर विभाग ऐसा नहीं करेगा तो हमने जो नगर परिषद 1.5 करोड़ रुपया दिया है हम उसको वापसी ले सकते हैं। अगर इन असमर्थ हैं तो हमें बता दीजिए कि हम असमर्थ हैं, तो हम नगर परिषद के द्वारा इस काम को बार करवाएंगे।